हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मैंडिबल। तो दिस इज द मैंडिबल, यू कैन सी दिस इज द मैंडिबल। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस इज मैंडिबल? मैंडिबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यदि सब बॉन पड़ी है? तो मैंडिबल की शेप कैसी है? देखो, इट इज लेटरल से देखेंगे तो कैसी दिख रही थी? एल शेप्ड। ऐसे देखेंगे तो ये कैसी दिख रही है? इट इज़ ए हॉर्स शू शेप्ड और यू शेप्ड। ठीक है, ये कैसे दिख रही है? हॉर्स शू शेप्ड और यू शेप्ड। ठीक है, तो दिस इज मैंडिबल। और ये मैंडिबल होती कहाँ पे है? अपनी फेस की बोन है ये। ठीक है, और इसकी शेप कैसी है? हॉर्स शू शेप्ड और यू शेप्ड। अभी देखेंगे तो कैसी दिख रही है? इट इज यू शेप्ड और हॉर्सशू शेप। ओके, तो दिस इज मैंडिबल। मैंडिबल फेस पे होती है। इट इज द अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस। ये अपने फेस की कैसी है? अनपेयर्ड बोन है। अनदर अनपेयर्ड बोन कौन सी है? वोमर। वोमर एंड मैंडिबल इज द अनपेयर्ड बोन ऑफ फेस। ओके, दिस इज मैंडिबल। तो मैंडिबल के बॉनी फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो मैंडिबल को कैसे स्टडी करेंगे? तो मैंडिबल को अपन ने दो में डिवाइड किया है। दिस बॉन इज कॉल्ड एज द रैमस ऑफ मैंडिबल एंड दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो ये अपना हो जाएगा रैमस और ये हो जाएगी इसकी बॉडी। तो अपन इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला तो है इसका रैमस और दूसरा हो जाएगा इसका बॉडी पार्ट। ओके, तो पहले रैमस पार्ट के बारे में देखेंगे। तो रैमस कैसा दिख रहा है आपको? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो देखो, इसके क्वाड्रिलेटरल दिखेगा तो इसके चार बॉर्डर हो जाएंगे। एंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर और नीचे वाला इन्फीरियर बॉर्डर। सामने से देखेंगे तो ये कैसी दिख रही है? फ्लैट बोन है। तो फ्लैट बोन है, ऐसे देखो चपटी है। तो इसकी दो सरफेस हो जाएगी। अंदर की तरफ जो सरफेस है, अंदर की तरफ जो सरफेस होगी उसको बोलेंगे मीडियल सरफेस, और बाहर की तरफ होगी उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस। तो मीडियल एंड लेटरल सरफेस। तो रैमस ऑफ मैंडिबल में क्या होती है? चार बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पीछे वाला पोस्टीरियर बॉर्डर, ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर, नीचे वाला इन्फीरियर बॉर्डर। दो सरफेस हो जाएगी इसकी। अंदर वाली हो जाएगी इसकी मीडियल सरफेस और बाहर वाली हो जाएगी इसकी लेटरल। उसके अलावा इसके ऊपर दो प्रोसेस होते हैं, ये वाला एक प्रोसेस और दूसरा ये वाला प्रोसेस। जो आगे वाला एंटीरियर प्रोसेस है इसको बोलेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस, और पीछे वाला जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? कोरोनॉइड। ये वाला हो जाएगा इसका कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये रैमस के पार्ट हैं, कोरोनॉइड एंड कॉन्डाइलर। आगे देखते हैं। तो अपन बॉर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर पे देखो तो यहाँ पर एक नोच बन रही है, इसको अपन बोलेंगे मैंडिबुलर नोच। ओके, ये वाला क्या हो जाएगा? मैंडिबुलर नोच। आगे वाला जो कॉरोनॉइड प्रोसेस से कंटिन्यूशन कर रहा है इसको बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर देखो यहाँ पर एक लाइन बन रही है आगे की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपन ऑब्लिक लाइन। ठीक है, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर किस में कंटिन्यूशन कर रहा है? ऑब्लिक लाइन में। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्लिक लाइन। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एंटीरियर बॉर्डर। ये सुपीरियर बॉर्डर, पीछे वाला हो जाएगा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर और नीचे वाला इन्फीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में एक एंगल बन गया, इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ मैंडिबल। इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, तो ये इसके चार बॉर्डर्स हैं। अब देखते हैं इसकी सरफेस। सरफेस में देखेंगे पहले इसकी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में देखो थोड़ी सी इरेगुलर है। यहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसको बोलते हैं मैसेटर मसल। मैसेटर मसल कौन सी मसल है? मसल ऑफ मैस्टिकेटन की मसल है, मैस्टिकेटरी मसल है। इट हेल्प्स इन च्यूइंग।
तो ये वाली हो जाएगी इसकी लेटरल सर्फेस। लेटरल सर्फेस में रिजेस किसके हैं, ये मैसेटर मसल के हैं। इनर साइड में जाएंगे तो इनर की तरफ देखो, इनर साइड में ये इनर सरफेस है। इनर सरफेस में क्या मिल रहा है अपन को, एक फोरामेन मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक क्या मिल रहा है, फोरामेन, ये इनर इनर सरफेस या मिडल सरफेस। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, फोरामेन मिल रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे, मैंडिबुलर फोरामेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉनी प्रोजेक्शन मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, एक बॉनी प्रोजेक्शन। उस बॉनी प्रोजेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, लिंगुला। क्या बोलेंगे, लिंगुला, यानी टंग लाइक एक्सटेंशन निकला होता है, उसको बोलेंगे लिंगुला। ओके, वहाँ पर एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। ओके, तो दिस इज लिंगुला। ये है ये फोरामेन, इज कॉल्ड एज द मैंडिबुलर फोरामेन, और इसको अपन बोलेंगे लिंगुला। ठीक है, यहाँ पर बॉनी प्रोसेस। तो दिस इज द मीडियल सर्फेस। ओके, अब बात करेंगे इसके कॉर्नर प्रोसेस। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका कॉर्नर प्रोसेस आगे वाला। एंटीरियर साइड में क्या है, कॉर्नर प्रोसेस, जहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होता है, जिसको बोलेंगे अपन टेम्पोरलेस मसल। वो भी कैसी मसल है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन की मसल है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपन इसका कॉन्डाइलर प्रोसेस। ये कॉर्नर प्रोसेस और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस। देखो कॉन्डाइलर प्रोसेस में देखोगे तो देखो यहाँ पर ये इसका हेड है। दिस हेड इज आर्टिकुलेट विथ द टेम्पोरल बोन टू फॉर्म द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, टेम्पोरल बोन के साथ, और कौन सा जॉइंट बनाएगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये इसका हेड होगा, हेड के नीचे की तरफ होती है नेक, तो इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ मैंडिबल। तो दिस इज द नेक ऑफ मैंडिबल। ठीक है, अब नेक के साइड में यहाँ पर एक फोसा दिखता है। यहाँ पर साइड में क्या मिलेगा अपन को, एक फोसा मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेरिकोइड फोविया। इसको अपन क्या बोलेंगे, टेरिकोइड फोविया। यहाँ पर एक डिप्रेस्ड पार्ट मिलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेरिकोइड फोविया। ओके, और दिस इज द कंप्लीट अबाउट द रेमस ऑफ मैंडिबल। दूसरा देखेंगे, दूसरा पार्ट कौन सा आ जाता है इसका, बॉडी। तो ये वाला इसका पार्ट क्या हो जाएगा, बॉडी। तो दिस इज द बॉडी ऑफ मैंडिबल। बॉडी ऑफ मैंडिबल यहाँ से देखेंगे तो कैसी दिख रही है आपको, यू शेप्ड दिख रही है। कैसी दिख रही है, यू शेप्ड बॉडी है। बॉडी की देखेंगे तो साइड से देखेंगे तो बॉडी, तो बॉडी का यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी हो जाएगी। तो बॉडी के दो सरफेस हैं, बाहर वाली सरफेस को बोलेंगे आउटर सरफेस, अंदर वाली को बोलेंगे इनर सरफेस। तो ये आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। वापस उसके दो बॉर्डर हो जाएंगे, ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पर ये टूथ के सॉकेट होते हैं, विच बियर्ड्स द टूथ, यहाँ टूथ के सॉकेट होते हैं अपर बॉर्डर पे। और ये वाला हो जाएगा इसका इन्फीरियर बॉर्डर। तो ये वाला हो जाएगा इसका सुपीरियर बॉर्डर, और ये वाला हो जाएगा इसका इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो दिस इज बॉडी ऑफ मैंडिबल। तो बॉडी ऑफ मैंडिबल की भी दो सरफेस हैं, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। अंदर की तरफ इनर सरफेस हो जाएगी और दो बॉर्डर हो जाएंगे, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। आउटर सरफेस में देखेंगे तो आउटर सरफेस में बॉनी फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, पहले तो ये ऑब्लिक लाइन मिलेगी। ठीक है, ये वाली लाइन है, इसको बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पर एक फोरामेन दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल फोरामेन। इसको बोलेंगे मेंटल फोरामेन। और ये वाला जो फोरामेन था, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन। और ये वाला मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन कहाँ होता है, जस्ट बिलो द प्री मोलर। ये वाले दांत को अपन क्या बोलेंगे, जस्ट बिलो द प्री मोलर। तो ये वाला हो जाएगा इसके आउटर सरफेस में क्या होता है, एक तो ऑब्लिक लाइन और ये मेंटल फोरामेन। दूसरा यहाँ पर आएंगे आगे की तरफ एंटीरियर में, तो यहाँ पर देखो यहाँ एक फोसा दिख रहा है। इस फोसा इज कॉल्ड एज इंसिसिव फोसा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिसिव फोसा, जस्ट बिलो द इंसाइजर टूथ, कॉल्ड एज द इंसिसिव फोसा। इंसिसिव फोसा के नीचे देखो एक ट्यूबरेंस दिख रही है, इसको बोलेंगे मेंटल प्रोट्यूबरेंस। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेंटल प्रोट्यूबरेंस।
एंड मेंटल प्रोट्यूबरेंस के लेटरल साइड में जाओगे तो यहाँ पर एक और ट्यूबरस दिख रही है, इसको अपन बोलेंगे मेंटल ट्यूबरकल। ओके, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। दूसरा देखेंगे इनर सरफेस। इनर सरफेस में जाएंगे तो इनर सरफेस के जाने पर भी अपन को क्या मिलेगा, देखो ये दांत के जस्ट नीचे की तरफ क्या है, इनर सरफेस है, ठीक है। अब इनर सरफेस में भी यहाँ पर देखो एक लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द माइलोहाइड लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज द माइलोहाइड लाइन। और माइलोहाइड लाइन के नीचे की तरफ एक फोसा बनता है और ऊपर की तरफ भी एक फोसा बनता है, ठीक है। नीचे की तरफ फोसा बनेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर फोसा। ऊपर की तरफ जो फोसा बनेगा उसको बोलेंगे सब लिंगुअल फोसा। ओके, और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखो ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं। दिस ट्यूबरकल्स इज कॉल्ड एज द जेनाइल ट्यूबरकल। सुपीरियर जेनाइल ट्यूबरकल एंड इन्फीरियर जेनाइल ट्यूबरकल, ये जेनाइल ट्यूबरकल हैं। ये जेनाइल ट्यूबरकल कितने होते हैं, दो होते हैं, ऊपर की तरफ वाले बोलेंगे सुपीरियर और नीचे वाले बोलेंगे इन्फीरियर जेनाइल ट्यूबरकल, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या था, माइलोहाइड लाइन। ऊपर आगे आउटर सरफेस में एक लाइन थी, इसको अपन क्या बोल रहे थे, ऑब्लिक लाइन। ओके, ये माइलोहाइड लाइन है। माइलोहाइड लाइन के ऊपर की तरफ भी फोसा है, नीचे की तरफ भी फोसा है। नीचे की तरफ जो फोसा है उसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर फोसा, ऊपर की तरफ बोलेंगे सब लिंगुअल फोसा। ओके, नाउ दीज आर द बॉनी फीचर्स ऑफ द मैंडिबल। दीज आर द बॉनी फीचर्स ऑफ द मैंडिबल। वापस रिवाइज करते हैं बॉनी फीचर। इसमें ये क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, इसको हम बोलेंगे रैमस, और ये वाला हो जाएगा इसका बॉडी पार्ट। रैमस पार्ट में क्या हो जाएंगे, चार बॉर्डर्स, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर, दो सरफेस, लेटरल सरफेस एंड द मेडियल सरफेस। दिस इज द मेडियल सरफेस। ओके, एंड टू प्रोसेस, फर्स्ट इज द कोरोनरी प्रोसेस, सेकेंड इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस। ओके, बॉडी में जाओगे तो ऊपर वाला क्या बॉर्डर हो जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, इन्फीरियर बॉर्डर। ये वाली सरफेस आउटर सरफेस, अंदर की तरफ हो जाएगी आपकी, अंदर की तरफ इनर सरफेस। ओके, नाउ द मसल अटैचमेंट। तो वी विल डिस्कस मैन मसल अटैचमेंट। द मैंडिबल प्रोवाइड्स द अटैचमेंट ऑफ मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मसल ऑफ तो मैस्टिकेशन, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मसल अटैच ऑन द रैमस। रैमस के ऊपर कौन कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो रैमस के ऊपर मसल का कौन कौन सा अटैचमेंट होता है, तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल सरफेस के ऊपर। रैमस के सरफेस में लेटरल सरफेस के ऊपर कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है, मैसेटर। यहाँ पर कौन सी मसल आ जाएगी, मैसेटर मसल, ठीक है। ये हो जाएगी लेटरल सरफेस पे। मेडियल सरफेस पे मसल आएगी जिसको अपन बोलेंगे मेडियल टेरिगोइड मसल। इस मसल का नाम क्या हो जाएगा, मेडियल टेरिगोइड मसल। तो यहाँ पर तो आउटर में तो कौन सी थी, या लेटरल सरफेस पे तो मैसेटर, इनर साइड में हो जाएगी मेडियल टेरिगोइड। नाउ थर्ड मसल आई थी टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरलिस मसल अटैच टू द कोरोनॉइड, टू द कोरोनॉइड। फर्स्ट इज द मैसेटर, सेकेंड इज द मिडिल टेरिगोइड, थर्ड इज द टेम्पोरलिस ऑन द कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है, टेम्पोरलिस मसल। एंड फोर्थ मसल इज अ लेटरल टेरिगोइड। लेटरल टेरिगोइड अटैच टू द टेरिगोइड फोविया। यहाँ पर देखो ये फोविया दिख रहा है, यहाँ पर मसल का अटैचमेंट होता है लेटरल टेरिगोइड। तो चार मसल होती है मसल ऑफ मैस्टिकेशन में। मीडियल टेरिगोइड जो कहाँ पर होगी, रैमस के मीडियल साइड में, रैमस के मीडियल साइड में हो जाएगी। लेटरल टेरिगोइड कहाँ चली जाएगी, टेरिगोइड फोविया में। टेम्पोरलिस कहाँ चली जाएगी,
कोरोनरी प्रोसेस के ऊपर, और मैसेटर कहाँ आ जाएगी इस पे, लेटरल सर्फेस के, रैमस के लेटरल सर्फेस पे, ये चार मसल मैन है, ठीक है। दे हैव फोर मसल, सारे इंपॉर्टेंट मसल ऑफ मैस्टिकेशन, तो दीज मसल्स आर कॉल्ड एज मसल ऑफ मैस्टिकेशन। एंड अदर मसल्स, उसके अलावा और कौन कौन सी मसल होती है, देखो यहाँ से जो ऑब्लिक लाइन है, ये जो ऑब्लिक लाइन जाती है, यहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बक्सीनेटर मसल, उसको अपन क्या बोलेंगे, बक्सीनेटर मसल, इज आर कॉल्ड एज द बक्सीनेटर मसल। Another muscle which attaches to the myelohyoid line. This line is called as the myelohyoid line. यहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे myelohyoid muscle. यहाँ पर कौन सी मसल आ जाएगी, myelohyoid muscle. उसके अलावा यहाँ पर जो ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं, superior genital tubercle और inferior genital tubercle. Superior genital tubercle पर कौन सी मसल आएगी, genioglossus, और इन्फीरियर जेनाइटल ट्यूबरकल मसल आएगी जीनियोहायड, तो ऊपर की तरफ आ जाएगी जीनियोग्लॉसस, नीचे की तरफ हो जाएगी जीनियोहायड मसल। इन द मेंटल प्रोट्यूबरेंस, यहाँ पर मसल आएगी मेंटलिस मसल, ओके। तो दीज आर द मेजर मसल्स ऑफ द मैंडिबल, ओके। नाउ डिस्कस अबाउट द फोरामेंस, तो पहला फोरामेन आएगा मैंडिबुलर फोरामेन, यहाँ से कौन सी नर्व जाएगी, मैंडिबुलर फोरामेन है तो फोरामेन के अंदर से क्या जाएगी, कुछ स्ट्रक्चर पास होंगे, तो कौन से स्ट्रक्चर पास होंगे इसके अंदर से, मैंडिबुलर फोरामेन है तो इसके अंदर से नर्व जाएगी इन्फीरियर एल्यूलर नर्व, इन्फीरियर एल्यूलर नर्व्स एंड वेसल्स, inferior alveolar nerves and vessels, and this is the mantle foramen, इसके अंदर से जाएगी mantle nerves, okay. So these are the foramina. Now and now it is the muscle attachment and bony features of the mandible. Okay. Now the nerves related to the mandible, or nerves related to the mandible, the first हो जाएगी अपने inferior alveolar nerve, जो इस mandibular foramen के अंदर से जाएगी, इसके नीचे से एक और nerve जाएगी, इसको बोलेंगे lingual nerve, which supply the tongue. Now the neck of mandible के आसपास में nerve होगी auriculotemporal nerve. ओके एंड जो मैसेटरिक नोच है, मैसेटरिक नोच और मैंडिबुलर नोच इज आल्सो कॉल्ड एज मैसेटरिक नोच, यहाँ पर से वेसल्स आएगी मैसेटरिक नर्व्स एंड वेसल्स, नाउ इट इज कंप्लीट अबाउट द मैंडिबल, थैंक यू।